हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रॉयल एसी वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक आउटडोर स्प्लिट एसी के आउटडोर की इंटरनल वेरिंग। जैसा कि बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि ये आउटडोर के अंदर की वेरिंग बताइए, तो आज मैं आता एक वोल्टास, एक आज फील्ड पर आया हूँ। ये एक वोल्टास का स्प्लिट एसी का आउटडोर, और इसमें आपको बेनिफिट ये है कि इसके अंदर एक कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसका वायरिंग पैनल। ये हमारा वायरिंग पैनल आउटडोर का, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लाइन न्यूट्रल सीपी अर्थ। जैसा इंडोर इस वोल्टास के मॉडल में इंडोर में सप्लाई देते हैं, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंडोर टू आउटडोर वायरिंग, ये लाइन इंडोर से आउटडोर, सॉरी इंडोर आउटडोर, न्यूट्रल इंडोर आउटडोर, एस मिस सीपी रिटर्न। ये एक फेज होता है जो आउटडोर को ऑपरेट करने के लिए होता है, ये इंडोर से आउटडोर, ये अर्थ। ये सेम पैनल यहाँ पर है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ये है लाइन न्यूट्रल सीपी अर्थ। ये तो था कॉमन। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी इंटरनल वायरिंग। जैसे ही हम अंदर आते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ इंटरनल। एक नंबर में है ये एक फेस का वायर रेड कलर का, जैसा आप देख सकते हो। दो नंबर में है न्यूट्रल, न्यूट्रल में तीन वायर लगे हुए, जैसा आप देख सकते हो, एक दो तीन। सीपी में है ब्लू कलर का वायर, ब्लू सीपी रिटर्न, और ये अर्थ बॉडी को लगाए। अब मैं आपको बताऊंगा एक नंबर से वायरिंग। ये एक नंबर है फेस का वायर, ये एक नंबर फेस का वायर, ये जो निकला ये आया सीधा हमारा आके लग गया कॉन्ट्रेक्टर में, कॉन्ट्रेक्टर के एक पोल में। ये यहाँ से निकलेगा, ये जाएगा सीधा कैपेसिटर में, ये सब देख सकते हो। ये कैपेसिटर, इसके बाजू से जो निकलता है, कैपेसिटर के एकदम बाजू से जो निकलता है वो होता है कंप्रेसर का रन। यानी आपको अगर कंप्रेसर को स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको फेस और न्यूट्रल चाहिए, और कंप्रेसर में तीन वायर होते हैं, फेस न्यूट्रल स्टार्ट रन कॉमन, कॉमन यानी न्यूट्रल। और आपको दो फेस चाहिए कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, दो फेस चाहिए। ये एक फेस आपका आया यहाँ पर लगा, इसके बाजू से जो फेस निकलता है वो आपका कंप्रेसर का बनेगा रन। यानी ये वायर हमारा कंप्रेसर को जा रहा है, तो ये जो इसके बाजू से जो वायर निकला वो आपका बन गया कंप्रेसर का रन। इसके अपोजिट आपका टू पोल का कैपेसिटर है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर 50 MFD का टू पोल का कैपेसिटर है ये। इसके अपोजिट यानी यहाँ पर कलर कोड के हिसाब से आप देख सकते हो, ये वाला जो है ये हमारा फेस का वायर है, और इसके बाजू से जो निकला ये रन, रेड वाला रन, और येल्लो कलर का जो है ये स्टार्ट। कैपेसिटर के अपोजिट से जो निकलता है ये कंप्रेसर का स्टार्ट। ये हो गया आपका रन, ये हो गया आपका स्टार्ट। ये आपके कॉन्ट्रेक्टर में से होकर आया है, ये आपके कॉन्ट्रेक्टर में से होकर आया है, ये हो गया। अब आपका कंप्रेसर को जाएगा ये इसमें से, ये तीन में जो है, ये तीन में से एक न्यूट्रल जो है, तो ये आपका कंप्रेसर को जाएगा, ये आपका है कॉमन। आपके कंप्रेसर को चला गया कॉमन, रन, स्टार्ट, कॉमन, तीन वायर आपके कंप्रेसर को चले गए। कंप्रेसर को ऑन करने के लिए सिर्फ तीन वायर चाहिए जो आपके लग चुके। अब दूसरा है आपका कॉन्ट्रेक्टर। अब आपके कॉन्ट्रेक्टर को ऑन होने के लिए हमें चाहिए न्यूट्रल फेस। कॉन्ट्रेक्टर आपका कब ऑन होगा, जब सीपी रिटर्न, यानी जब आपका रूम में टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर डाउन होगा, जब आपको इसी ऑन करना है आउटडोर को, तो जब भी इसमें कमांड आएगा, यानी सीपी का जो वायर था हमारा, तीन नंबर का जो हमारा वायर आया था सीपी का, इसमें जब आपके फेस आएगा, इसमें जब करंट आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं ये तीन नंबर जो ब्लू वायर है, ये वायर आकर लगेंगे आपके कॉन्ट्रेक्टर में। इसमें मैग्नेटिक कॉइल होता है, मैग्नेटिक कॉइल को ऑपरेट होने के लिए फेस न्यूट्रल चाहिए 230 वोल्ट। ये आपके आकर लग गया एक तरफ, ये है फेस, और जो दो नंबर से न्यूट्रल निकला था हमारा, वो न्यूट्रल आकर लगेगा हमारा यहाँ पर इस वाले पोल में, ये वाले पोल में। तो ये हो गया फेस, ये हो गया न्यूट्रल, ये सीपी और ये न्यूट्रल। जैसे ही इसमें सीपी का में फेज आता है, ये आपका न्यूट्रल और ये फेस, जैसे ही इसमें करंट आता है, ये आपका कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाता है। इस तरीके से आपका कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा, इस तरीके से ये प्रेस हो जाएगा। जैसे इसमें करंट आएगा ये नीचे प्रेस हो जाएगा, जैसे ही प्रेस होगा जो इसमें फेज आता है, यानी एक नंबर में जैसे आपका फेज आ रहा है तो यहाँ पे आकर लग रहा है, यहाँ से आपका ये आएगा और ये आपके कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर को ऑलरेडी न्यूट्रल, ऑलरेडी स्टार्ट, रन और कॉमन मिल चुका है। जैसे ये आपका प्रेस होता है तो आपका कंप्रेसर चालू हो जाता है। अब ये आपका कंप्रेसर हो गया ऑन। अब आपको इसकी वायरिंग एक और समझना है, इसमें फ़ैन,
यानी जब आपका कंप्रेसर ऑन होता है जब ही आपका फ़ैन चालू रहना चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या है, फ़ैन में आपके चार वायर आती है, ये आपका फ़ैन, फ़ैन में दो वायर, एक स्टार्ट, एक फेज, एक न्यूट्रल आता है और दो कैपेसिटर के वायर आती है, यानी कॉमन वायरिंग में दो कैपेसिटर के वायर आती है। जैसा आप देख सकते हो इसमें अलग कलर है, तो ये कैपेसिटर के दो वायर अपने लग गए। अब आपको फ़ैन को ऑन करने के लिए एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। ये है आपका एक फेज, ये है आपका न्यूट्रल। ये न्यूट्रल जो हमने पहले ही जो दो नंबर में आया था, दो नंबर से हमने इसका न्यूट्रल ले लिया है, दो नंबर से इसका न्यूट्रल ले लिया है फ़ैन को, और हमने इसका फेस का वायर कॉन्टेक्ट करके इस वाले पोल में लगाया है, इस वाले पोल में नहीं लगाया। इस वाले पोल में अगर हम लगा देते तो इसका डायरेक्ट फ़ैन ऑन रहता था। हमने इसका वायर इस वाले पोल में लगाया ताकि जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो, जब आपका कॉम्प्रेसर ऑन हो तो जब भी आपका फ़ैन ऑन होगा, क्योंकि करंट जब आपका इधर यहाँ पर फेज आएगा तो आपका कॉम्प्रेसर स्टार्ट होगा और ये आपका कॉन्टेक्टर फ़ैन स्टार्ट होगा। तो ये थी हमारी सिंपल आउटडोर वायरिंग। और इसमें अगर कुछ आपको एडिशनल और मैं इसमें आपको बताऊँगा बाद में, ये है सिंगल फेस कॉन्टेक्टर था ये। तो ये थी कॉन्टेक्टर की सिंपल वायरिंग, जो बहुत ईजी है समझने के लिए। टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है काम करने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसे टेक्निकल वीडियोस के लिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।